ये हमारे एक स्टूडेंट सेट है, ये नो बेसमेंट पे लेके आए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर नो बेसमेंट है, आओ देखें किस तरह का। तो भैया क्या क्या, आओ इसमें क्या क्या चेक करना है, आओ जरा इसको हटाओ मिटाओ इसको, इसके अंदर क्या क्या चेक करना है आओ अपन थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं और उसके हिसाब से भी इसको चेक करेंगे। किसी भी सेट के अंदर अगर नो सर्विस आ रहा है, क्या आ रहा है चलिए बताओ, नो सर्विस, नो सर्विस, ये देखो इस सेट में क्या आ रहा है, डाल दो नो सर्विस, नो सर्विस, नो सर्विस आ रहा है ना सेट की, सिर्फ लगी हुई है हेलो। तो अपन क्या चेक करेंगे, सो डाल दो अगर आपके सेट के अंदर क्या आ रहा है चलिए बताओ, नो सर्विस, नो सर्विस, नो सर्विस। तो भैया सबसे पहले नंबर पे हम क्या चेक करेंगे चलिए, हेलो यस सर। दूसरे नंबर पे सिम के बाद में हम क्या चेक करेंगे, और उसके बाद हम एक क्या बनाएंगे चलिए बताओ, लिस्ट में। और चौथे नंबर पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा रेडियो ऑन है कि रेडियो ऑफ है, ये हमें लिस्ट में भी पता चल जाएगा ना, ये बेसिक चीजें तो चेक कर ले क्या क्या बोलते हैं। आओ देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करना, ठीक है दिखाना, तो हम सिम पे जाएंगे, और यहां पर आप देखो नो सिम, नो सिम कार्ड, सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रहा। अब हम इसके साथ में अबाउट में जाएंगे, और बेसमेंट क्या आ रहा है बताइए, अननोन आ रहा है, अननोन यहां पर सर, मतलब इस साइड के अंदर बेसमेंट अननोन है, तो इसका मतलब है कि हमें आगे चेक करना बनता नहीं है। हाँ ये तो दिमाग में ये चीज नोट रखना कि अगर बोलो सब तक एक एक चीज सही नहीं होगी हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब अभी हमारा जब यही है तो मतलब अभी हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें बेसमेंट लाना है, क्या लाना है चलिए, क्योंकि बेसमेंट हमारा क्या हो चुका है, तो जब बेसमेंट अननोन होता है तो ना लिस्ट चेक की जाती है ना रेडियो ऑन ऑफ चेक किया जाता है, हेलो यस सर, क्योंकि कोई भी चीज बनेगी नहीं क्योंकि बेसमेंट ही नहीं है भाई, नेट डाटा ही नहीं है तो कहां से कुछ चीज बनेगा, यस सर, ट्रांसीसीवर कभी काम करेगा नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये मिलेगा तो ट्रांसीसीवर काम करेगा, तो वही गायब है, मतलब कहने का मतलब है एक सिक्योरिटी ही खत्म हो गई है, yes, sir. ये हमारी पूरी सिक्योरिटी है, yes, इसमें आईबीआई भी नहीं होगा, हेलो yes, ठीक है। तो हम इसका क्या सलूशन निकाले, अभी हमने फॉल्ट निकाला, क्या फॉल्ट है, ये सेट एक किसका सेट है चलिए बताओ, अब इसका सलूशन निकाले हम लोग, साफ करो और सलूशन बना, पहले यहाँ जो जो चीज यहाँ पे बनाते हैं वो सारी चीज हम चेक करते हैं। तो ये हमारा फोन है, देखो अगर जब भी बेसमेंट ऑन ऑफ होता है बोलो क्या क्या करते हैं, हेलो अच्छा ये चीज थोड़ा इधर आ जाओ साइड आ जाओ, ये चीज हम मैं वो बता रहा हूँ जो हम दुकान पे अटेंड करेंगे बराबर, मतलब इनिशियल स्टेज में हम यही, मैं भी होता तो मैं भी सेम यही करता शुरुआत में, कोई डायग्राम नहीं कोई कुछ नहीं, तो नो बेसमेंट बोलो सोल्यूशन, सोल्यूशन फिलहाल किसका जल्दी बताओ, एमटीके का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आरएफआईसी को चेंज करेंगे, हेलो चेंज या रिवॉल्व बोलो, चेंज या रिवॉल्व, बट हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चेंज और रिवॉल्व होकर आई है, हेलो बट हम तब भी इसलिए करेंगे क्योंकि आई है होगी, बट किसने की होगी कैसे की होगी हमें तो ना पता है, हेलो कंफर्म के लिए हम अपना खुद का आईसी लगाएंगे, बोलो एक और चीज बता रहा हूं जो बहुत मास्टर लेवल की चीज है जो कोई नहीं बताता है, नाम दो मीडिया टेक के अंदर बोलो, मीडिया टेक के अंदर मॉडल नंबर बोलो उसका, वर्जन बोलो, अगर गलती से वर्जन भी चेंज कर दिया किसी ने हेलो तो भी बेसमेंट आएगा, तो लोग सिर्फ नंबर देख के बदलते हैं आईसी, हेलो हमको नंबर के साथ क्या बदलेगा, ये भी दिमाग में रखना कि हम मॉडल के साथ मॉडल प्लस क्या चेक करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर होगा कि आप बिल्कुल सटीक अपना रिजल्ट निकाले, हेलो अभी कौन सा मॉडल सपोर्ट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है ये हमें पता नहीं है। तो भैया
ये बात है। तो हम आरएफआईसी को रिवॉल्व चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो ये हो चुका है और ये अपन चेंज नहीं करेंगे, तो ये तो अपन कर देते हैं स्किप क्योंकि ये हो गई है और वर्जन सही लगा है जो हमने देखा। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने डायग्राम के साथ चेक कर सकते हैं, या तो हम चेक कर सकते हैं, तरीका बता रहा हूँ, या तो हमारे पास गुड न्यू है, बोलो बता देना। ये मॉडल है 10A, कौन सा है, पर 10A का डायग्राम नहीं है। तो अगर हम 9A भी खोलते हैं, देखिए 9A में हमें क्या मिलता है, तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं, हार्डवेयर में जाएंगे। आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपके पास जिस सेट में आईसी का कंफर्मेशन करना है, आप बोर्नियो से कर सकते हैं। बोर्नियो इज द बेस्ट वे टू कंफर्म योर आईसी नंबर कि एक्चुअल में जो ओरिजिनल बोर्ड में आईसी लगी है वो मेरे आईसी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, तो यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर साफ दिखता है, तो ये है 20 और 30, क्या है बताओ, 20 और 30, और यहाँ पे क्या लगा है, 20 और 22, मतलब नंबर थोड़ा अलग है। हेलो सर, अभी हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने 9A का खोला है, किसका खोला है, 9A का, पर ये जो सेट है ये 10A है, हो सकता है इसमें वर्जन अलग हो और 9A का भी लगेगा नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो ये दिमाग में लेके चलना है क्योंकि हम बहुत एडवांस पढ़ रहे हैं। हेलो सर, हम हर एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट पे आ रहे, नहीं तो ये पॉइंट बोलते नहीं। दूसरी बात, अब दो बेसमेंट आने का और क्या रीजन होगा सर, आरएफआईसी चेंज कर दी है तो हमें अब अपना चेक करना है मॉडर्न सर्किट। बोलो मॉडर्न सर्किट, क्या चेक करना है, मॉडर्न सर्किट, मॉडर्न सर्किट याद है आपको, सबको बताया किस किस को बताया मॉडर्न सर्किट, पूरा वोल्टेज मॉडर्न सर्किट होता है कि मीडिया टेक के अंदर, बोलो मीडिया टेक के अंदर एक बक कॉइल होता है, एक बक कॉइल होता है, कौन सा कॉइल, बक कॉइल, और वो किसको देता है, सीपीयू भी कोई अपना आईक्यू डाटा, हेलो वो हमारे किसको देता है, हमारे आरएफआईसी को, किसको देता है, आरएफआईसी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक वोल्टेज चेक कर ले, क्या क्या बोले देखो, तो हम अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या हमारा मॉडर्न का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम 9A का हिसाब लेंगे क्योंकि डायग्राम सर्किट 9A जैसा ही बन रहा है, तो बिल्कुल पूरा बंद करेंगे, ये खोलेंगे बिट मैप, सर्किट सेम जैसा है तो सर्किट सेम में यूज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सो पैड इन्फो करेंगे और यहाँ पर मॉडर्न देखेंगे, तो ये मॉडर्न है वी मॉडर्न, और ये मॉडर्न के कैपेसिटर जोड़ेंगे जो कि सीपीयू की ओर जा रहे हैं, इन कैपेसिटर पे मिलना चाहिए 0.6 से 1.2, सिर्फ लगा वोल्टेज पर करेंगे, ये दो कैपेसिटर है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा मॉडम एक्टिवेट हो रहा है, तो ये भी हमारा ओके है। अब हम आगे जाएंगे, अब और हम क्या चेक करेंगे, अब ध्यान दो, अभी हम बात करते हैं, इससे पहले हमें एक बार कंफर्म करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, बोलो सॉफ्टवेयर वर्जन वो सही है कि नहीं है, क्योंकि गलत फाइलों डालने की वजह से भी हमारा मॉडर्न सर्किट क्या हो जाता है, गलत वर्जन की फाइल, फोन तो ऑन रहता है पर मॉडल पर सिक्योरिटी कभी नहीं बैठेगी, तो ये जो चीज हम देख ही ले। अब ये तब होगा जब किसी कस्टमर ने इसको क्या किया होगा, क्योंकि कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि फोन चला रहे और अपना वर्जन चेंज हो जाए, हेलो अपडेट में वर्जन गलत आएगा नहीं, हेलो ऐसा होगा नहीं कि फोन में अपडेट आया, मैंने अपडेट किया और बेसमेंट चला गया, भाई कंपनी इतनी बेवकूफ तो नहीं, ये कब होगा, जब किसी कस्टमर ने उसको क्या किया होगा, कस्टमर टेक्नीशियन दुकान वाला कोई था भी छेड़ा है, फ्लैश मारा है, अब वो क्या करते हैं, यूट्यूब से फ्लैश फाइल देख लेते हैं, मॉडल नंबर भी पता नहीं करते, कोई सी भी फ्लैश फाइल डाल देते, फोन चालू नहीं होता है, चालू हो गया तो सिक्योरिटी भी आती है, मतलब फ्लैश फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फाइल को समझना है जो आपको आगे की क्लास में समझना है। अब हमको इस लाइनों का जीआर निकालना है, उसके लिए हम इस आईसी को उतारेंगे, और इस आईसी को उतारने के लिए तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मॉडल का सर्किट यहाँ से
और इवन इस आईसी के अंदर हमें एक 1.8 वोल्टेज भी आता है जो कि हमारे मॉडेम से ही आता है। हेलो yes, तो ये भी हम चेक करेंगे जिसका बेसमेंट चला जाएगा। तो इस आईसी को उतारने के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सो इन, बोलो एक्सो इन, क्रिस्टल बोलो क्रिस्टल, ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेटर, इनपुट इनपुट। इस लाइन में क्या होता है, तो इस लाइन के अंदर ये होता है कि मेन पावर जो क्लॉक आईसी से आरएफ सिग्नल लेती है या क्लॉक सिग्नल लेती है, बोलो वो आरएफ क्लॉक बना के, बोलो 26 मेगाहर्ट्ज़, बोलो 26 मेगाहर्ट्ज़, और सीरीज में क्या लगे होंगे कैपेसिटर या क्या लगे हो सकते हैं रेजिस्टर, और ये किसको डालेगा आपके 6-1 को, किसको डालेगा 6-1 को, मतलब कौन सी आईसी को, तो लेट मी ट्रेस अपन यहां देखते हैं। तो अगर ये लाइन पर वोल्टेज मिला कितना वोल्टेज है, 1.5, तो इसका मतलब हमारा सर्किट ओके है। फिर चौथे नंबर पे बोलो, जूम कर लेना भाई, चौथे नंबर पे बोलो, चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे 6-1 को उठाएंगे, बोलो 6-1 और अपना कौन सा पैड जल्दी बताओ, और आईक्यू डाटा, बोलो कौन सा, बोलो आईक्यू डाटा, क्या चेक करेंगे जल्दी बताओ। अच्छा हम ये भी चेक करते हैं कि क्या इसके वोल्टेज हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आओ थोड़ा आपको थोड़ा और एडवांस बताता हूं, देखो ये मीडियाटेक का आईसी है, बेसमेंट अभी आ नहीं रहा है, तो इसमें ये जो कैपेसिटर है तो सब लोग क्या करते हैं अभी कैपेसिटर पर चले जाते हैं और देखते हैं। तो 9A के कर लेते हैं, यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाते हैं, बहुत समझना अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूँ पॉइंट की बात है। यहाँ पर आप देखो इन तीन सब पे ये जो वोल्टेज जा रहा है ये जा रहा है VRF 1.8 और इस तीन कैपेसिटर पे जो वोल्टेज जा रहा है RF 1.2 दो वोल्टेज, और इस वाले जो कैपेसिटर पे वोल्टेज जा रहा है VIO 1.8। तो मतलब ये हमें तीन वोल्टेज चेक करने हैं और ये VIO सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये VIO वोल्टेज नहीं आएगा तो भी आपका बेसबैंड नहीं आएगा, बोलो नहीं आएगा बेसबैंड नहीं आएगा, और चेक करें तो सिम लगी है कौन ऑन है, ये देखो सिम लगी है फोन ऑन है, और हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ से निकला हुआ है पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पैलर का कैपेसिटर है। हेलो यस सर, तो इस कैपेसिटर पे 1.8 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, आ रहा है यस सर, अगर ये 1.8 बोलो अगर ये 1.8 मिस हो जाए नो बेस बैंड, नो बेस बैंड, हेलो यस सर, ये मिस कैसे होगा सर, मतलब आप बताइए क्या प्रॉब्लम या फॉल्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहला वाटर डैमेज, अंदर का पैड चल जाएगा, ट्रैक ओपन हो जाएगा आफ्टर ड्रॉपिंग के, हेलो गिरने के बाद, या किसी ने छेड़ा तो, और या तो पावर उसको बना ही नहीं रहा, मतलब लास्ट सोल्यूशन ये है, पहला सोल्यूशन ना दो, अगर वोल्टेज नहीं मिला नेवर चेंज पावर आईसी, रिमूव दिस आईसी, चेक टाइप जी आर, अगर सब कुछ ओके है तो फिर वोल्टेज के लिए पावर को उठाएंगे, हेलो क्योंकि कैसा है मैं तो दे रहा हूं पर वो ले नहीं रहा है ना भाई, हेलो वेरी गुड। तो अभी तो ये 1.8 आ रहा है, डन है इसका, अब हम ये चेक करते हैं, ये हमारे को आ रहा है 1.2 और ये हमारा आ रहा है 1.8, हेलो यस सर, चेक करते हैं ये हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सिम लगी है, देखते हैं कि क्या ये वोल्टेज बनते हैं नहीं बनते हैं, इसका थोड़ा सा फंडा समझते हैं। देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज बनाए क्या, जल्दी बताओ, नहीं, और यहाँ पर बताओ कोई वोल्टेज बन रहा है क्या, नहीं, ये आपका इधर ये वाला वोल्टेज बन रहा है, कितना बन रहा है 1.2, बोलो 1.2, ये कैपेसिटर है, देखो बन रहा है, बन रहा है सर, पर ये वाला वोल्टेज भी बन रहा है, कितना बन रहा है 1.8। अब ध्यान दो, अब बहुत अच्छे से समझना, ये पूरा अब तक की YouTube के हिस्ट्री में किसी ने इतना वाला अपडेट नहीं दिया है जो मैं दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। सो सीन ये है, दो चीज बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना, अभी हमने क्या क्या चेक किया सब कुछ लिख लें क्या, yes, बताओ सबसे पहले हमने फोन में क्या चेक किया, सीसी नहीं आ रहा,
दूसरे नंबर पे हमने क्या चेक किया? मतलब हम समझ गए कि हमें रेडियो ऑन ऑफ और लिस्ट चेक करना बनता नहीं है। फर्स्ट वी नीड क्या जरूरत है हमें अपना बेसमेंट लाने की? फर्स्ट वी नीड टू गेट बेसमेंट। हेलो डोंट हेल्प, कुछ सोचना नहीं है बॉस, बेसमेंट लाना है। तो ये दो चीजों से है, एक हमारा कौन से सॉफ्टवेयर और एक कौन से हार्डवेयर। और हार्डवेयर अब ध्यान दो, अगर मान लो किसी बंदे ने गलत फाइल मारी और आपका मॉडल पहचान नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? यू कांट रिकॉग्नाइज योर मॉडल कि क्या एक्चुअल में मॉडल है, क्या मेरी फाइल होनी चाहिए, क्योंकि सब सेम सेम दिख रहा है। कस्टमर भी बोल रहा है मेरे को नहीं पता, वो भी घंघोर निकला। तो आप कैसे पता करोगे कि मेरा सही फाइल कौन सा है? तो हाउ यू कैन, मतलब आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? हाउ कैन यू गेट कंफर्मेशन अबाउट कि दिस इज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम? बोलो, अगर सिम और बेसमेंट, और इसके लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। हेलो सब लोग, थोड़ा कह दो कि चैनल को लाइक करो, कमेंट भी करो। और बसोरी कमेंट मत करना, उड़ा देंगे क्योंकि कचरा हम जमा करते नहीं है। सही है। तो देखो, अगर सॉफ्टवेयर फाइल किसी ने गलत डाली है, बोलो सॉफ्टवेयर फाइल गलत डाली है, तो हम मीडिया टेक की 61 जो आईसी होती है ना, उसके ये दो वोल्टेज चेक करेंगे। कौन से? 1.2 1.8। बोलो कौन कौन से? बोलो 1.2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1.8 तो बन ही रहा है ना आपका, ये वाला 1.8। तो बेसिकली तीन वोल्टेज में से हमको सिर्फ एक वोल्टेज मिल रहा, अगर एक वोल्टेज मिलता और क्या नहीं मिलता, दो तो हम क्या बोलते हैं? पर अगर हमें क्या मिल रहा है? 1.2 1.8 1.8। तो इसका मतलब ये फॉल्ट किसका है, जल्दी बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर हार्डवेयर में कहां से है? हमने RFIC, तो हम सबसे पहले किसको चेंज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। तो हम चेंज कर चुके हैं। अब हम चेंज करने से पहले एक बार क्या लाइन चेक कर सकते हैं और कौन सा सर्किट चेक कर सकते हैं? तो ये भी कर चुके हैं, ये बचा हुआ है। फिर उसके बाद में आईसी को उठाकर, बोलो हमारे जो भी IQ डाटा है, बोलो उसकी लाइनों का क्या चेक करेंगे, और लास्ट में किसको रिवॉल्व करेंगे? पर यहाँ पे CPU ऑलरेडी रिवॉल्व है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। अब तो अपन चेक करते हैं 100 इंच, बोलो 100 इंच। तो यहाँ DSO भी है, हम DSO के साथ भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी है, पर हमने बताया था 100 इंच को चेक करने के लिए हमको DSO की जरूरत नहीं है। हेलो यस सर, 100 इंच को चेक करने के लिए DSO की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए? खाली वोल्टेज 0.5। कैसे चाहिए? फ्लक्चुएट। देखो तो इसका 100 का लाइन लिखेंगे, तो हार्डवेयर तो नहीं देता सर, तो हम क्या करेंगे, सब बिटमैप उठाएंगे या हम इसका डायग्राम उठाएंगे अगर है तो, नहीं तो फिर हम डायोड में जाएंगे, आईसी ऑन बोर्ड में जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। अभी कैसा है, अगर डायग्राम नहीं है तो आईसी ऑन बोर्ड में जा सकते हैं। आईसी ऑन बोर्ड के अंदर हम यहाँ पर 100 देखेंगे कहाँ लिखा हुआ, और जहां पर भी हमारा 100 लिखा होगा, देखो 100, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर 100 SD, ये कुछ लिखा हुआ है, ये तो पैड है, तो भाई ये हमारा पैड है जो हम इसको चेक करेंगे 100C। अब जान लो इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम इसका लेआउट खोलेंगे और इसका स्कीमेटिक खोलेंगे, है तो खोल लेंगे, नहीं है तो वही चेक करेंगे, जो मिल रहा है बोर्डे ने ना। इस आईसी का नंबर है 3101, यहाँ पर डालेंगे 3101, एंटर मारेंगे,
अब इस आईसी के अंदर सबसे पहले ये लाइन हमें बिल्कुल नहीं चेक करनी, लो बेसमेंट में PRX हमारा बेसमेंट को छेड़ता नहीं है, PRX छेड़ता नहीं है, PX या आउटपुट है ये छेड़ता नहीं है, इससे दो सर्विस भी नहीं आता, नो बेसमेंट टॉप है नहीं करना। बट इस लाइन के लगे डुप्लेक्सर में लो सर्विस आता है, पर वो बहुत अंदर की बात है। पीडिया में IQ डाटा ये हम सब चेक करेंगे, ये हमारा BB IQ जिधर भी BB लिखा होगा, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसमेंट, सो ये हमें चेक करना पड़ेगा ऑल GR। सो ये हमें तब जब हम एक्सो, पहले एक्सो चेक कर लेते हैं। अब देखो एक्सो इनको चेक करने के लिए एक्सो का एक पूरा एक सेक्शन है, इस सेक्शन को इनेबल करने के लिए एक VIO आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि अगर ये वोल्टेज नहीं मिला, ये वाला वोल्टेज नहीं मिला यहाँ पर ये 1.8 तो आपका बेसमेंट आता नहीं। तो बेसमेंट का सेक्शन का वोल्टेज तो आ रहा है, हेलो यस सर, क्योंकि हमने ये VIO चेक किया, ये दिस वन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हमने चेक किया VIO, और ये कैपेसिटर हमें ये यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये C3306 ये हमारा कैपेसिटर है VIO का, तो ये तो हमें चेक करना है बिकॉज ये XO का अंदर है। अब ये है इनेबल BB, ये हमें अब ये एक GR है, ये CPU इसको इनेबल कर रहा है, अगर ये लाइन भी मिस हो जाएगी तो हमारा बेसमेंट चला जाएगा, हेलो सर। ये इनेबल BB हम कैसे चेक करेंगे, IC को उतार कर तो ये रजिस्टर लगा है G1 के साथ, और चेक करते हैं पहले इसी को, चेक करते हैं रजिस्टर लगा है कि नहीं लगा है। तो देखो यहाँ पर G1 देखेंगे, ये देखो ये G1 आपका यहाँ पर, अगर हम देखें ये आपका G1 इधर है J1 और ये G1, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, G1 के साथ लगा हुआ है ओके, ये रजिस्टर और इसमें हम देखें तो यहाँ पर G1 है ही नहीं यहाँ पर, और ये रजिस्टर किसके साथ है, अच्छा यहाँ पर ये रजिस्टर, अच्छा हाँ सॉरी मैं गलत जगह देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, वो मैं पावर के अंदर देख रहा था, यहाँ पर देखो G1 देखो G1 ये R कैलिब्रेशन, ये रजिस्टर लगा हुआ है। पहले आप देखते हैं रजिस्टर की क्या वैल्यू है, ओपन है ऑन है, क्योंकि ये भी प्रोटोकॉल है, ये ओपन हो जाएगा तो बेसमेंट जा सकता है। हमें सबसे चेक करना है भाई, ये मार्केट में तो सारी चीजें सिर्फ ICU पे हो रही है, बट वही तो प्रॉब्लम है, लोग IC बदल रहे हैं खाली और तो कुछ चेक ही नहीं कर रहे, तो हम इसको ओम्स मोड में रखेंगे और इसका वैल्यू चेक करेंगे, और इसके रेफरेंस के लिए हम किसी और 9A का वैल्यू चेक कर सकते हैं बोर्ड का, कि भाई ओके बोर्ड में क्या हो सकता है। तो ये वाला कॉम्पोनेंट ये जरा ये हटा जरा टीवी पर, ये हम चेक करेंगे, ये हमें मिल रहा है 2 ओम्स का, 2 किलो ओम्स का, कितने ओम्स का, 2 किलो ओम्स का रजिस्टर मिल रहा है हमको, ठीक है। तो भाई 2K का है, और देखिए स्कीमेटिक में क्या लिखा है, तो स्कीमेटिक में 2K लिखा हुआ है, हेलो सर, मतलब बिल्कुल सही है, डंडा खींचना नहीं चाहिए था, कंफ्यूज कर रहे ना भाई सर, तो कोई कंफ्यूज करें हम पता कर लेंगे। अब इसके बाद इनेबल BB, तो ये हम IC उतार के चेक करेंगे, अब हम चेक करते हैं XOA, सो इस लाइन को क्लिक किया, ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन जा रही है इधर PM के अंदर, एक रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर 2 ओम्स का लगा है, 0 क्योंकि 0 ओम्स का लगा है, सॉरी 2 भी नहीं 0 ओम्स का लगा है, तो ये रजिस्टर लगा है, और इसके बाद ये पावर IC के अंदर जा रही है, किसके अंदर जा रही है, और पावर IC के अंदर जा रही है T1 पर, तो ये हमारा सप्लाई बना रहा है। तो हम क्या देखते हैं, आओ तो हम ये वापस IC में देखें, ये निकल रहा है L2 पर, तो L2 में जाएंगे, ये हमारा L2 PM क्लॉक, और ये हमारा जा रहा है यहाँ पर लगा है कंपोनेंट सीरीज में, ये रजिस्टर 0 ओम्स का, और यहाँ से निकल रहा है RF क्लॉक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट है क्या है और क्या वैल्यू है और उस पर क्या वोल्टेज आ रहा है, फोन हमने चालू किया है, बट यहाँ पर नोटिस करो यहाँ पर ये कंपोनेंट मिसिंग है, हेलो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कंपोनेंट क्या है जल्दी बताओ, तो ये रीजन एक हो सकता है नो बेसमेंट का, हेलो यस सर, ये वाला कंपोनेंट है, यहां पर देखो यहां पर कोई वोल्टेज नहीं है और यहां पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज तो कहीं में भी दोनों ओर नहीं है,
पर ये कंपोनेंट मिसिंग है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे जीआर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बताइए? जीआर ले सकते हैं। नोटिस करते हैं तो, और इस पर एक कंपोनेंट लगा के चेक कर सकते हैं। पहले जीआर ले, देखो यहां पे जीआर आ रहा है पावर का और यहां पे आएगा डब्ल्यू 61 का, तो दोनों का जीआर आ रहा है यहां पर। अब यहां पर हम क्या करते हैं बताइए, एक जंपर करते हैं क्या या एक शॉर्ट करते हैं? खाली क्या करते हैं, चलिए बताओ। चलो शॉर्ट करते हैं, एक्सो इन ओपन है, क्या ओपन है चलिए बताओ। जो एक एक पैड बताया मैंने आपको आज, बोलो क्या बताया है, वो एक एक पैड प्रैक्टिकल करके बताया है। हेलो, कुछ भी हवाबाजी में बताया नहीं है। अगर वो पैडों को चेक कर लोगे तो कभी भी नेटवर्क जाएगा नहीं। हेलो, कौन कौन चेक करेगा वो पैड? नेटवर्क सेक्शन बहुत इजी है, तीन चार बार अटेंड करने के बाद में, समझ रहे मेरी बात, और सही नॉलेज के बाद। अभी क्या था, एक भी रुपए का नॉलेज नहीं था। हेलो, मुझे बताओ आज जो भी मैंने बताया उससे पहले किसी को पता था नहीं? WTR के अंदर का फंक्शन कैसा होता है, PFO कैसे काम करती है, सिम कब चेक करना है, बेसमेंट कब चेक करना है। हेलो, और मैं एक और बार पूछना चाहता हूँ, ये जो समझाने का इस तरह का तरीका, ये आपको कैसा लगता है? अलग वे में, हेलो, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में। अरे यार एमडी, इसका तो वो ऊपर ही कहीं पूरा कट गया यार, दूसरा बोले क्या हो गया, ये देख रहे हो आरएन का क्या हाल हुआ। जल रही थी, काटने के लिए देना भाई कुछ। अब यहाँ पर हम वोल्टेज भी चेक करेंगे अगर आ रहा है, और फ्रिक्वेंसी भी देखेंगे कि हमें कितनी मेगाहर्ट्ज़ मिलनी चाहिए, कि कभी आप VSO के साथ चेक करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें वोल्टेज मिलता है और क्या हमें कुछ फ्रीक्वेंसी मिलती है यहाँ पर। तो वोल्टेज में सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देखें तो दूसरा वोल्टेज देना फ्लक्चुएट हो रहा है। yes, मल्टीमीटर देना जब, ये मल्टीमीटर में थोड़ा मिली वोल्ट दिखता नहीं है सही तरीके से। लाओ जल्दी लाओ, थोड़ा ये माइनस पॉइंट है मल्टीमीटर का, मिली वोल्ट नहीं दिखाता ये, मतलब इस तरह से दिखाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मिली वोल्ट है या नहीं है। पॉइंट नहीं बताता है, हाँ कि पॉइंट के पहले जीरो है, वो पॉइंट के पहले भी मिली वो अपना कुछ रीडिंग देता रहता है। सही है, 1000 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे?
चलो देखेंगे। देखो 0.5 आ रहा है। हेलो यस सर। अब यहाँ पर डीएसओ तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, नोटिस करो। तो अनिल डीएसओ ऑन करो, तो ले लो मोबाइल। डीएसओ के अंदर हमें जो रेंज मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 36 मेगाहर्ट्ज। क्या मिलनी चाहिए? 36 मेगाहर्ट्ज। उस फ्रीक्वेंसी की क्लॉक के पल्स भी चेक किए जाते हैं। कभी कभार वो पल्स 26 ना आकर 15, 16 या कुछ और आ सकता है, तो भी बेसमेंट अननोन होगा। कहने का मतलब ये है कि डीएसओ के अंदर हमें एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी के क्लॉक सिग्नल मिलने चाहिए। समझ रहे हो? क्लॉक सिग्नल अनवांटेड या अनसॉर्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये रीजन भी हमारा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, कभी कभी लोग ये सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है। हाँ सही है, वोल्टेज आता है तो सही मानते हैं, बट हम क्लॉक सिग्नल भी लेके चले तो भी ज्यादा अच्छा है। हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना आरएफ केबल को ग्राउंड पे जाल लगा देंगे डीएसओ के। ठीक है, क्योंकि हमारे सब बोर्ड से ग्राउंड से जुड़ा ही है ऑलरेडी, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। और उससे पहले भी हम अपना डीएसओ को थोड़ा कैलिब्रेट करेंगे। करो भाई। तो कैलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर कैलिब्रेशन का पॉइंट है, यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का एक कैलिब्रेशन पॉइंट दिया है। वो कह रहा है कि आप यहाँ लगाओ तो आपको 1 किलोहर्ट्ज़ और यहाँ पर पल्स बनने चाहिए। तो ऑटो दबाएंगे, तो अगर यहाँ पर देखो ये बन गया 1 किलोहर्ट्ज़ और ये बन गया आपके 3 वोल्टेज लगभग। तो ये आपका, वो कह रहा है कि अगर ये आपको इतना दे रहा है तो आपके प्रोब फिर आपके बॉडी में भी सही देंगे लो, नहीं तो क्या होता है प्रोब की कैलिब्रेशन बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर रखेंगे और जम्पर पे टच करेंगे और जम्पर पे टच नहीं करना है मेरे को, ये तो जम्पर टच है। जम्पर के अलावा कहाँ टच कर सकते हैं? ये ऊपर के पैड में, यहाँ पे टच करेंगे। ये देखो अनिल को दबाओ ऑटो। देखो 25.26 आ रही है ना पूरी। yes, और देखो क्लॉक पल्स भी एकदम सही आ रही है। हेलो अनिल, थोड़ा वो करो। हाँ ये बताओ, ये देखो ये 26 हो गई। हेलो yes, इसका मतलब मेरा जो क्लॉक सिग्नल है वो बिल्कुल okay. पल्स भी सही दे रही है और कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा बेस बैंड और देखेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क ही आ गए। हेलो यस सर। तो बेसमेंट तो आया नहीं है ना मेरे भाई? यस सर। तो अगर हम अबाउट में जाएंगे और स्पेसिफिकेशन में जाएंगे और बेसमेंट यहाँ पे देखो आ गए। ये इस पैड के अलावा भी और कितने पैड है जिससे बेसमेंट जा सकता है, उससे कौन कौन बना सकता है? अब मैं फिर से कह रहा हूँ, आज भले ही 5 दिन और लगते हैं, भले ही हमें 1 महीना और लगता है, पर जब ये नॉलेज मिल जाने के बाद हम उसको बार बार दोहरा दोहरा के दिमाग में डाल लेंगे, ये सारे पॉइंट हम बना सकेंगे। कौन कौन बना सकेगा? बोलो मैं बना सकूंगा। बोलो मैं बनाऊंगा। सीपीयू मास्टर क्लास जो है कि नहीं है? ठीक है, अभी कल मुझे बताओ डुअल लेकर रिवॉल्व किस किस ने किया, डैम क्लीनिंग किस किस ने किया? हाँ लाइव चालू करो, लाइव ले लो जल्दी पट्टे से। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया, हमने 4G सीपीयू किया। आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे? तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बैच। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया, हमने 4G सीपीयू किया। आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे? अब ये बताइए कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम को 28 तारीख को ज्वाइन करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस किस के पास थे, तो सिर्फ कितने लोगों के पास थे? ओनली 2 लोगों के पास थे। इसके अलावा आपके पास माइक्रोस्कोप भी था? क्या माइक्रोस्कोप पे कभी काम किया था? अभी क्या पोजिशन है?
अभी क्या पोजीशन है? अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिनट में सेट किया है और हमारा चौथा दिन है। कल हमारा क्या था? चौथा दिन था। और तीसरे दिन क्या किया हमने? एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि तीसरे दिन पावर, तो पावर किस किसने लगाई? हम सबने लगाई। और एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है, एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू, तो कल सीपीयू किस किसने लगाया? सबने लगाया। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से, एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी, जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और MD सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ में जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, MD सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद। एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया हमने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से